इंसिडेंट हुआ, जब ऐसी कोई बात हुई तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं करा, अपनी माँ को फ़ोन करा, ठीक है माँ को फ़ोन कर, माँ मेरी वीडियो देखती है हमेशा मेरे डैडी, क्योंकि वे भी घर वाले भी हमारे घर वाले खुद के घर वाले वाले बोलेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्यों परेशान करें, हम भी सोते, इधर से भी ऐसे चलता है, मतलब इंडिया में भी ऐसे चलता है, जब हम यहाँ आते हैं तो हम लोग कोई नहीं। एक चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो चीज़ ये है कि लोग बाग बोलते हैं कि यार गल्फ़ में या कहीं भी लोग बाग बोलते हैं कि यार विदेश में बहुत पैसा है। हाँ यार मैं मानता हूँ कि विदेश में बहुत पैसा है, ठीक है कमाने वाला चाहिए, विदेश में बहुत अच्छा पैसा है, ठीक, पर भाई विदेश वही आ सकता है जो व्यक्ति यहाँ आके अपनी खुशियों की कुर्बानी दे सकता हूँ, ठीक है चाहे वो इंडिया पाकिस्तान सूडान कहीं का भी हो, ठीक। तो भाई बात ऐसी है कि रात की बात है, रात बहुत तकड़ी बारिश हुई, ठीक रात हुई बारिश, तो बाद जब बारिश हो रही थी रात तो करीब 4:30 बजे की बात है, ठीक है जब तकड़ी बारिश हो रही थी तो 4:30 बजे करीब की बात है, तो तभी वह बिजली बहुत तेज़ से खड़खड़ाई, बहुत तेज़ से, तो ऑलमोस्ट हमें ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आ गया, एकदम से आँख खुली और डर लगा। तो वो मोमेंट ऐसा होता है कि यार जब वो मोमेंट ऐसा होता है कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ मोमेंट हो तो हम क्या करते हैं, या तो अपने मम्मी के पास या पापा के पास चले जाते हैं, ठीक है क्योंकि यार अभी हम बच्चे ही हैं यार, भले से हम 25-26 साल की उम्र के हो गए भले से हम 25-26 साल की उम्र के हो गए, ठीक है। तो वो मोमेंट क्या हुआ, जैसे ही वो बारिश के साथ लाइटिंग गिरी ना, धड़ाम से लाइटिंग गिरी, बहुत तेज़ से आवाज आई, अर्थ को ऐसा फील हुआ तुरंत, भाई वो मोमेंट ऐसा था ना कि एकदम मम्मी की याद आ गई बहुत, क्यों क्योंकि ना जब भी ऑलमोस्ट मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ मैं हमेशा, तो मम्मी के साथ हर एक की माँ को पता है, हर एक के बच्चे को पता है कि माँ की ममता कितनी प्यारी है, ठीक है तो मुझे ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हुआ ये मोमेंट हुआ, जब ऐसी कोई बात हुई तो उस टाइम मम्मी की याद आ गई बहुत, मतलब मेरे जो ना हाँ, तो मैं कह रहा था ना उस मोमेंट पे मैंने कुछ नहीं करा, अपनी माँ को फ़ोन करा, ठीक है माँ को फ़ोन करा, तो माँ को जब फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ बोलती है, मुझे पता है मेरी माँ मेरी वीडियो देखती है हमेशा, मेरे डैडी भी देखते हैं, बट आपका बेटा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि आपका साया है, आपका आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, ठीक है बट जो नए नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, करीब 4:30 बजे की बात थी, मैंने 5 बजे फ़ोन लगाया, करीब इंडिया में 7:30 AM हो रहे थे, 7:30 की बात थी इंडिया की और यहाँ 5 बज रहे हैं। तो मेरी माँ बोलती है उठाते, हाँ भाई क्या बात है, जितनी जल्दी कैसे उठ गया, मतलब मैं यहाँ इतनी दूर हूँ और मेरी माँ को पता है कि उसका बच्चा कितने बजे उठेगा, कब क्या करेगा क्या, तो मेरी माँ बोलती है आज तो इतनी जल्दी क्यों उठा, मैंने कहा ऐसे ही बस आज थोड़ा सा ऐसे ही होगा। तो मेरी माँ को हुआ कुछ फील हुआ कि हाँ भाई बछड़े के दांत दिख जाते हैं, तो बोलती है कोई नहीं टेंशन मत ले हम साथ हैं, इतना बोला, लेट्स फील गुड, ठीक है फिर बात बात हुई, मोमेंट हुआ, ओके माइंडसेट हुआ। तो यहाँ जो विदेश आता है ना भाई, सच बोल रहा हूँ, अपनी खुशियाँ की कुर्बानी करने के बाद जो स्ट्रॉन्गल यहाँ पे खड़ा होता है ना वही पैसा कमा पाता है, विदेश पैसा देता है बट खुशियाँ नहीं देता, खुशियाँ एक फैमिली के साथ मिलती है और फैमिली को त्याग देना पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लौंडे हैं यार, हमें घर छोड़ के ही घर चलाना पड़ता है, मेरे शब्दों में तो ऐसा कुछ, मुझे अपने आप को डिफाइन, मैं अपने आप को मोटिवेट जो करता हूँ ना मैं इसी शब्द से डिफाइन करता हूँ कि यार अपन है लौंडे और लौंडों को घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और घर से बाहर जाएंगे तो फैमिली को छोड़ेंगे, घर से दूर जाएंगे तो हम पैसा कमा पाएंगे और फैमिली को खुशियाँ दे पाएंगे, बट कैसे डिफाइन करूँ कि यार अपनी खुशियाँ तो मैं ऑलमोस्ट किल कर चुका हूँ, ठीक है तो दैट्स द मोमेंट जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। मैं अभी एक चीज़ और बताता हूँ, मेरा रूममेट है, मेरे रूममेट के पास में रूममेट है, मेरे पास ही का ही है, तो हुआ ये उनको 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं, वो घर भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है तो उनके डैडी एक्सपायर हो गए, तो घर वाले अभी उनकी बात बता रहे थे वो कि उनकी 2 दिन पहले बात हुई, तो बोलते हैं कि मम्मी डैडी ठीक हैं, तो बोलते हैं हाँ इट्स ओके योर डैडी इज़ फाइन। तो उन्हें
भाई जैसा माँ बोलेगी क्योंकि वे भी घर वाले भी हमारे घर वाले खुद के घर वाले ऐसे हैं कि तबीयत खराब हो रही है, अच्छी वाली बोलेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्यों परेशान करें। हम भी सोचते हैं जैसे अब हम यहाँ आए, हमें कुछ हो गया तो हम अपनी माँ को फ़ोन करेंगे या पापा को फ़ोन करेंगे, तो वो और परेशान हो जाएंगे, उस परेशानी में वो और डिप्रेस हो जाएंगे। तो इधर से भी ऐसे चलता है, मतलब इंडिया में भी ऐसे चलता है, जब हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ होते हैं तो इंडिया में भी ऐसे चलता है हमारे मम्मी पापा के साथ। तो उनसे बोला ठीक है तुम्हारे पापा चलो कोई नहीं। तो अगले दिन पता चलता है कि वो एक्सपायर हो गए इवनिंग में। उन्हें फ़ोन करा उन्होंने सुबह अगले दिन कि ऐसे ऐसा हुआ कि तेरे डैडी एक्सपायर हो गए और उन्हें दफना अफना दिया है, ठीक है उनका जो भी क्रियाक्रम था वो सब कुछ कर दिया। तो उन भाई को जब पता चला कि उनकी औलाद अपने बाप को मरने के बाद कंधा भी नहीं दे पाई, तो वो जो मोमेंट था ना, वो भाई हम सबकी आंखें नम हुई है। ठीक है ऐसे ऐसे इंसिडेंट है यहाँ पे, आप सुनोगे बैठोगे बात करोगे ना तो भाई आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ठीक है तो वो कह रहा था कि यार ऐसा पैसा भी कैसा पैसा कि मैं अपने बाप को कंधा ना दे पाऊँ। तो जब वो एक्सपायर हो गए तब उसके बाद वो घर गए, तब वो बता रहे थे कि यार मैं किसके लिए कमा रहा था, अपने माँ बाप की खुशियों के लिए, पर जो मुझे खुशी चाहिए थी वो तो मैंने वहीं पे छोड़ दी। ठीक है तो बस ऐसे ऐसे मोमेंट है यहाँ पे कि आप यकीन नहीं मानोगे कि वैल्यू ऑफ द हैप्पीनेस आपको पता चलती है। ठीक है तो भाई मेरे साथ तो यही हुआ, मैं समझ रहा था कि यहाँ पे सिर्फ भाषा भाषा का थोड़ा डिफिकल्ट है, बट दैट्स द पॉइंट ऑफ इन फ्रंट यू कि माँ माँ की ममता और बाप की क्षमता यहाँ आके पता चल रही है कि क्या है हमारा बाप क्या था, कैसी हमारी माँ थी। भाई मैं खुद हूँ, मैं गाँव से हूँ, मुझे खुद पता है। मैं जब जब मैं नॉर्मली क्या 9 बजे उठ रहा, ठीक है मेरी माँ नौ मेरे को नौ कोई नहीं उठाता यार, मुझे पता है मेरे घर में भाई आज तक किसी ने उठाया नहीं है। मेरी माँ जब मैं उठूँगा तो मैं अपनी माँ को हक करूँगा, मेरी माँ मेरे को हक करेगी, बोलेगी ब्रश करके आ जा, ये रहा दूध, ये रही रोटी वोटी, घी भी लगा के देती है। अब यहाँ 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 पता क्या हो रहा है, यहाँ उठता हूँ मैं, सुबह का नाश्ता नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट 12-1 बजे लंच होता है तब हम खाना खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं। हम अपनी माँ को क्या बोलें कि यार हम सुबह सुबह दूध पी रहे हैं, ये वो बोलना पड़ रहा है उसका दिल रखने के लिए। पर ठीक है हमें नया नया नई नई चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अभी लड़के बोल रहे थे कि कोई बात नहीं यार भाई नया नया है तू तो, और ऑलमोस्ट बाहर भी रहा है, दिल्ली नोएडा वगैरह हॉस्टल लाइफ में भी रहा है, बट यार वो चीज़ अलग थी, ये चीज़ अलग है। ठीक है वहाँ पे तो ऐसा यार ऑलमोस्ट आप हमेशा, आप लोग भी काम करते हो दिल्ली वगैरह बाहर बेंगलुरु, कुछ फैमिली इशू हुआ तो आप तुरंत एक बार चले जाओगे वहाँ मिलने वगैरह। यहाँ तो ऐसा है कि भाई भाई विदेश में पैसा है मैं मान रहा हूँ, पर जो खुशी है ना वो नहीं है। ठीक है और क्या करें भाई, कुछ फैमिली इशू होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। कोई नहीं यार पप्पू तेरा लौंडा शेर है, टेंशन ना लियो तू, ठीक है। तो भाई जो भी कोई विदेश आना चाह रहा हो ना प्लीज़, यहाँ पे खुशियों की कुर्बानी है तब जाके पैसा मिलता है। ठीक और मैं तो अपने आप को एक ही मोटिवेट करता हूँ एक ही बात से कि यार तू है लड़का, तू है लौंडा, तुझे बाहर जाना पड़ेगा, अपना घर चलाना पड़ेगा बस। और एक बात और, जो भाई मुझे ये बोल रहे थे ना कि हमारे पे तो 100 बिके, 50 बिके, 40 बिके, भाई वो बाप की संपत्ति है, अपनी खरीदोगे ना तब बोलना, स्टेटस की वैल्यू तब देना। और भगवान ने सब कुछ दिया है ठीक है, और मैं अपने बाप की अकेली औलाद हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ ठीक है। तो प्लीज़ वो इन इन छोटे मोटे अल्फाजों को बोल के सामने वाले को तोड़ने की कोशिश ना करें। जब यहाँ आओगे ना 2-3 महीने यहाँ रहोगे, अभी हमारे एक सीनियर हैं उनके बच्चे बच्चे सब कुछ हैं, पेरेंट्स हैं वो एक तरह से ठीक है, 35-36 की एज है, वो खुद रियलाइज़ करते हैं, तभी तो कभी कभी हम उनकी आंखें देखते हैं नम होती हैं। तो भाई मैं तो अभी न्यू न्यू हूँ बट कोई नहीं, बट जो मैंने चैलेंजिंग फेस आउट किया है ना, एक भाषा और एक खुशी, खुशी की कुर्बानी दोगे तब जाके पैसा मिलेगा। और भैया पंकज चौधरी तू है लौंडा, तुझे पैसा कमाना है घर छोड़ दे। सो दिस इज़ अ चैलेंजिंग पॉइंट फॉर मी, दैट्स इट।